नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। नगर परिषद कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर। पहले ही दिन बेपटरी हुई सफाई व्यवस्था, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, डंपिंग पॉइंट से नहीं उठा कूड़ा, शहर के विभिन्न बाजार पर भी लगे कूड़े के ढेर। अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल पर है नगर परिषद के सफाई और अग्निशमन कर्मचारी। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी आज से 72 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों की 3 दिनों की हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। हड़ताल के पहले दिन आज इसका असर भी देखने को मिला। शहर में विभिन्न स्थानों पर बने डंपिंग स्टेशनों से कूड़ा नहीं उठाया गया, तो वहीं गली मोहल्लों से कूड़ा एकत्र करने वाले सफाई कर्मचारियों के न आने के कारण गलियों के कोने पर भी कूड़े के ढेर देखे गए। उधर अपनी मांगों के समर्थन में फतेहाबाद शहर के करीब 150 सफाई कर्मचारी आज नगर परिषद कार्यालय में पड़ाव डाल बैठे हैं और सरकार पर वादे खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि मई महीने में उनकी 16 दिन की हड़ताल के बाद सरकार के साथ उनकी कई मांगों से सहमति बनी थी, मगर सरकार ने मानी गई मांगों को कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार वादा करती है और फिर वादा खिलाफी भी करती है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को ध्यान नहीं देती और मानी गई मांगों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो 3 दिन की हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। 16 दिन की हड़ताल हुई थी, उसके बाद सरकार के साथ समझौता हुआ था और उस समझौते में सरकार ने ये माना था कि जो ठेकेदार भी प्रथा है उसको पूर्ण रूप से नगर पालिका के अंदर फायर ब्रिगेड के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा।